बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 54 है, एक्सरसाइज 6.1, पेज नंबर 79। ये बेटा ये क्वेश्चन हैं 6, 7, 8, 9, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। मैं इनका क्वेश्चन नहीं देख सका, इसकी मैं आपको पिक भेज देता हूँ क्वेश्चंस की, तो इसके ऊपर से आपने क्वेश्चन देख लेना है। मैंने पहले 3 क्वेश्चंस किए हैं, 9th वाला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह ही है, ये आपने खुद करना है पेज नंबर 79 पे। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा उन्होंने कहा हुआ है कि आपने इन अ बेकरी द रेशो ऑफ द सेल ऑफ ब्रेड टू एग्स इज 3.3:2 एंड द सेल ऑफ एग्स टू मिल्क इज 3:1। फाइंड द कंटिन्यूड रेशो ऑफ ब्रेड एग्स एंड मिल्क। जो तरतीब यहाँ पर दी हुई है उसी तरतीब से आपने निकालना है। तो मैंने यहाँ पर बेटा ब्रेड और एग्स की रेशो लिख दी, फिर एग्स और मिल्क की रेशो लिख दी। आप देख रहे हो कि एग्स 2 दफ़ा आ रहा है तो ये दरमियान में आएगा। हम लिख लेंगे ब्रेड एग्स मिल्क और यही आपने फाइंड करना है। ब्रेड और एग की 2:3 है और एग और मिल्क की 3:1 है। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया 2 को 3 के साथ 3 को 3 के साथ 3 को 1 के साथ, और इनको आपके सामने मैंने ये कर दिया और मज़ीद इनको छोटा कर दिया तो ये हमारी रेशो निकल आई 2:3:1। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें उन्होंने अहमद इरफान और वसीम की रेशो कंटिन्यू रेशो पूछी है। अहमद और इरफान की उन्होंने रेशो दी हुई है 5:4 और इरफान और वसीम की रेशो दी हुई है 8:9। तो मैंने लिख दिया अहमद इरफान वसीम और यही आपने फाइंड करना है, क्योंकि इरफान 2 दफ़ा आ रहा है। देखिए ये इरफान, ये इरफान, ठीक है, तो ये दरमियान में आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अहमद और इरफान की 5:4 है और इरफान और वसीम की 8:9, और इसी तरह हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया 5 को 8 के साथ 8 को 4 के साथ एंड 4 को 9 के साथ। 5 8 40 4 8 32 4 9 36, और इस तरह करने के बाद हमने इसको मज़ीद 4 के टेबल के साथ शॉर्ट कर लिया और अहमद इरफान और वसीम की जो सी है रेशो वो निकल आई 10:8:9, ये इरफान, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में उसने थोड़ा सा ट्विस्टिंग किया है काम। क्वेश्चन आप देख लेंगे, ये है, उसने चिकन और मटन की वैल्यू दी है और चिकन और बीफ की दी है। आप मुझे बताइए कि इन दोनों तीनों में से 2 दफ़ा कौन आ रहा है। चिकन आप देख रहे हो कि 2 दफ़ा आ रहा है, तो एक का चिकन जोन सा वो बाद में ले जाएंगे ताकि वो दरमियान में आ सके। तो मैं जो चिकन और मटन था, मैंने मटन और चिकन कर दिया और उसकी रेशो भी 2:1 थी तो वो 1:2 होगी। अगर मटन पहले आया तो उसकी रेशो भी पहले आ गई, चिकन बाद में आया तो चिकन की बाद में आ गई। फिर मैंने उसकी तरतीब लिख ली मटन चिकन और बीफ, चिकन दरमियान में आ गया। मटन और चिकन की क्या मैंने बनाई थी 1:2 वो लिख दी, चिकन और बीफ की क्या है 5:2 लिख दी और इनको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये 5, 10 और 4 आ गया। लेकिन जब हम आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे चिकन मटन और बीफ, यही उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा। तो चिकन दरमियान में है, चिकन का पहले आ जाएगा, मटन ये है इसका 5 इधर आ जाएगा और बीफ 4 है ये सामने इधर आ जाएगा। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि इधर जगह नहीं थी तो क्वेश्चन नंबर 9 आपने खुद कर लेना है। और ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई, आपने इसको सारी को अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट कर लेना है। शुक्रिया।